हेलो दोस्तों, वापस से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। तो जैसा कि आपको पता है, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की ओर से IT वाले डिप्लोमा और 10th-12th पास लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है, वो ग्रुप ई बी और ग्रुप सी के पोस्ट पे। अगर आपको अभी तक पता नहीं है तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको सारा जानकारी A to Z जानकारी देने वाले हैं। फॉर्म कैसे भरने हैं, कैसे क्या क्या है, सारा चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि SI जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है BSF की ओर से, और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से रिक्रूटमेंट आई हुई है ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट पर। यहाँ पर वाटर विंग की वैकेंसी है। यहाँ पर बात करें तो सब इंस्पेक्टर की यहाँ पर कुल मिलाकर देखें तो 8 वैकेंसी है। सर्विस इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर की 6 वैकेंसी है। वहीं बात करें यहाँ पर हेड कांस्टेबल मेटर, इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप में आपको जो है मैकेनिकल, डीजल, पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर, कुछ इस तरीके से ITI की यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आपने ITI पास है इन सारी ट्रेडों से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करनी है और कब से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बता दें फॉर्म अप्लाई होना यहाँ पर शुरू हो चुका है और आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में। जो हेड कांस्टेबल वर्कशॉप में जो पोस्ट दी गई है, आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ ही आपको जो है IT होना चाहिए। मोटर मैकेनिक में डीजल या फिर पेट्रोल इंजन से इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, कारपेंटर, AC टेक्नीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर इन सभी में ITI पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी इसमें दिया गया है। अगर आपकी हाइट यहाँ पर इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट यहाँ पर 160 होना चाहिए। अगर ये वाले एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं चेस्ट के बारे में बात करें तो चेस्ट आपका मिनिमम 73 और जो 73 होना चाहिए। वहीं बात कर लेते हैं इन सब एरिया के लिए जो इसमें मेंशन किया गया है, जैसे कि यहाँ पर लेह लद्दाख, सिक्किम और तमिलनाडु, गोवा, इन सभी एरिया से आप आते हैं तो आपका जो मिनिमम चेस्ट यहाँ पर होना चाहिए 75 होना चाहिए, कुछ इस तरीके से आपको मेंशन किया गया है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपके यहाँ पर देना होगा रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट का आपको सिलेबस आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आपको जो है जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर रीजनिंग के 25 प्रश्न, वहीं मैथ के 25 प्रश्न, और आप जिस ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड से यहाँ पर 25 प्रश्न। कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स का होगा। और आपको एग्जाम का ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो ये 2 घंटे की एग्जाम होगी जो भी वर्कशॉप के लिए ITI से अप्लाई करते हैं इनके लिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, फॉर्म आपको अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं RECTT.BSF.GOV.IN, इस वाली वेबसाइट पे आना है। ये वेबसाइट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ से जाइए, क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा BSF वाटर विंग रिक्रूटमेंट 2022 ग्रुप बी और ग्रुप सी, इस वाले पर आपको अप्लाई हेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई हेयर पे क्लिक करते हो आपके सामने ये सारा ओपन हो जाएगा। अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद क्या करना है आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। गेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पर एंटर करके आपको मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। आपको सेकेंड में अपना एड्रेस डिटेल देना है, उसके बाद ऑर्डर डिटेल्स देने के बाद में आपको क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो भी आपके क्राइटेरिया है वहाँ पर फुलफिल करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। कुछ इस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, आप तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।